मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा लेसन नंबर 4 है आपके लिए। आगे होगा एनिमेट। एनिमी का मीनिंग बेसिकली आप समझते हो, एनिमी क्या होता है, शत्रु होता है। एंड दिस एनिमिटी इज बिटवीन अमेरिकन एंड जापानीज। इस स्टोरी में जो एनिमिटी हो अमेरिकन और जापानीज के बीच में। This story brings to the forefront the dilemma faced by an individual when the private choices come into play with their role as a citizen. Historical is a dilemma. Assuming the psyche, private duties एक आदमी क्या होती हैं और professional duties क्या होती हैं? Understand? The story setting is the background of World War II. Second World War आपको सभी को पता है हुआ था। उसमें एक साइड तो अमेरिका था और एक साइड था जापान। जापान के ऊपर एटम बम भी गिराए गए थे। इसके दो थीम्स हैं एनिमिटी। एनिमिटी मैंने आपको बताया अमेरिकन और जापानीज के बीच में। प्रोफेशनल लॉयल्टी है, वो डॉक्टर सदाओ है जो एक डॉक्टर है। और नेशनलिज्म इज राष्ट्रभक्ति। ये थीम्स हैं। इसके कैरेक्टर्स जो आप समझेंगे ना तो समझ जाएंगे। डॉक्टर सदाओ जापानीज डॉक्टर है, जापान में रहता है। उसने अपनी एजुकेशन अमेरिका से बात करी, उसने डॉक्टरी की जो स्टडी थी अमेरिका में करी। और आना है उसकी वाइफ है, ये दोनों अमेरिका में मिले थे। ये सेम कास्ट से ही उनकी शादी थी। तो इम्पोर्टेंट वन अमेरिकन सेलर है नाविक, जो वार एंजल बन जाता है, जो भागता है उसके पीछे गोली लगती है और वो डॉक्टर सदाओ के घर के आगे आ जाता है। डॉक्टर सदाओ का हाउस वो समुद्र के किनारे हो, वहाँ पर वो बहता हुआ आ जाता है। जनरल जापानी सेना का जनरल है, वो डॉक्टर सदाओ को अपने पास रखता है। डॉक्टर सदाओ वो एक बड़ा ही एक्सलेंट ब्रिलियंट डॉक्टर है। वो एक ऐसी मेडिसिन क्रिएट कर रहा है जो वार के दौरान जो हुडीज है वो एकदम सेम फिलअप हो जाए। और एक डॉक्टर सदाओ के सर्वेंट्स हैं जो उसके घर के ऊपर काम कर रहे हैं। ये इस लेसन के बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इन कैरेक्टर्स को। डॉक्टर सदाओ जो जापान में रह रहा है वार के दौरान, वो जनरल का डॉक्टर है। और एक शाम को जब अपने घर पे बाहर खड़ा था ना, उसे अपनी चाय भूल गया लगता है। कैसे बचपन में अपने फादर के साथ समुद्र किनारे घूमता था, पाम ट्रीज के ऊपर चढ़ जाता था। उसे अपनी एंट्रेंस याद आती है, फिर उसे अपनी मैरिज याद आती है। कैसे उसने हमारे साथ शादी करी, आप जब बुक में देखेंगे ना वो आप सब समझ जाएंगे। ये 3 पॉइंट्स हैं स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिज डोर। वो अपनी वाइफ के साथ खड़ा है, वो याद कर रहा है, पास्ट मेमोरीज के अंदर जाता है, ताकि वो क्या देखते हैं कि समथिंग इज वॉशिंग ए सो टू देयर डोर। कुछ बहता हुआ समुद्र में आना है, बोथ बिकम इंजर्ड। वो क्या देखते हैं, इट वॉज ए मैन जो खड़ा हुआ फिर गिर गया। और वो दोनों पास जाते हैं एंड दे फाउंड इट वॉज एन अमेरिकन राइटर के लिए। और एक जापानीज के लिए अमेरिकन को बचाना था, मैनिंग को बचाना था, इलीगल माना जाता है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द पीपल। और डॉक्टर सदाओ ही इज ए डॉक्टर। और व्हाट इज द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अ डॉक्टर टू सेव द पेशेंट। डॉक्टर का जो बेसिक ड्यूटी होता है वो अपने पेशेंट को बचाना होता है। और दूसरी उसके अंदर जो उसके नेशनलिज्म की भावना आ जाती है, मैं एनिमी को क्यों बचाऊंगा। राष्ट्रभक्ति एक तरफ होगी और उसकी प्रोफेशनल भक्ति है वो एक तरफ होगी। लेकिन वो अल्टीमेटली क्या डिसाइड करता है, उसके जो डॉक्टर है उसके यहाँ हैंड है, वो वर्क करने लग जाते हैं। वो क्या करता है, उसको अपने घर के अंदर ले जाता है। डिलेमा वो क्लियर कर लेता है अपने वाइफ से और ऑपरेशन के लिए वो शुगर लेके जाते हैं। सर्वेंट्स वो भी एक्सट्रीम लॉयल है, वो भी क्या करते हैं, नहीं हम इसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, हम इसको वास नहीं करेंगे। लेकिन डॉक्टर उनकी बात को सुनता नहीं और वो क्या करता है, उसको अपने घर में रख लेता है। और मीन वाइज सभी जो सर्वेंट्स हैं वो चले जाते हैं। बिकॉज वो क्या करते हैं, अगर सेना को पता चल गया, पुलिस को पता चल गया, आर्मी को पता चल गया, तो वो हमें डॉक्टर को तो क्या कहेंगे, देशद्रोही है। और उसके साथ हमें इंडिया लोग सभी चले जाते हैं। डॉक्टर सदाओ उसको ऑपरेट करता रहता है, स्लोली स्लोली वो रिकवर कर लेता है। और इस दौरान आना बड़ी गिरी रहती है कि कहीं हमें पता ना चल जाए कि उन्होंने अपने घर में अमेरिकन शत्रु को बना दे रखी है। और उसके बाद क्या करता है सदाओ, जनरल को सारी इन्फॉर्मेशन देता है जाके जो आर्मी का चीफ था। जनरल एश्योर करता है कि मैं रात को है ना कुछ मेरे प्राइवेट असिस्टेंट्स जो मर्डर करने वाले को भेज दूँगा, वो डेड बॉडी को भी ले जाएंगे। लेकिन फोर थ्री नाइट्स सदाओ वेट करता है असिस्टेंट्स का, लेकिन वो नहीं आते। और फाइनली सदाओ क्या करता है,
रिपोर्ट देके उसको कुछ चीजें देके इटेबल आइटम्स जो भी नेसेसरी चीजें थी उसको कह रहे थे तुम इस बोट से समुद्र में से निकल जाओ और आगे तुम्हें कोरियन जो सिप्स है वो मिल जाएंगे और वहाँ से अपने देश में निकल जाना। लेसन का सारा क्या है बेटा, सदाओ मेन कैरेक्टर जिसने अपने दोनों चीज को फिलअप करा, कैसे उसने उसको बचाया भी पेशेंट को क्योंकि एज ए डॉक्टर उसको बनने में देना चाहता था और एज ए नेशनलिस्ट पैट्रियट देशभक्त के रूप में उसने क्या करा जनरल को बता दिया कि मैंने ऐसे ऐसे कर रखा है और इट वॉज नॉट ड्यूटी ऑफ द जनरल, लेकिन जनरल क्या है अपने काम को फिलअप नहीं कर पाया, अल्टीमेटली सदाओ ने उसको बचाया था एज ए डॉक्टर और एज ए डॉक्टर उसने क्या किया उसको अपने देश में भेज दिया। दिस इज अबाउट द लेसन, बड़ा एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड लेसन है। आप ये पॉइंट्स मैं आपको बताए हैं सबके ऐप से एक बार लेसन को पढ़ के देख बेटा, बाकी के लिए अपन नेक्स्ट करेंगे और अपना जो वर्क आप अपलोड करते हो ना उसको मेरे पास व्हाट्सएप पर अपलोड नहीं कर रहे कि आपने कितने क्वेश्चन कर लिए कितना आपका लेसन उसको जरूर करें। इट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।